और हमारा एक कल्चर अलग है। तो हमारा अपना कल्चर अलग है। उसके बाद मैंने कहा था, इन सम रिस्पेक्ट वी आर लाइक नो मदर, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी किसी और से मिलती ही नहीं है, हमारा तो कोई काउंटर पार्ट दुनिया में है ही नहीं। तो वो हमारे इंडिविजुअल मोटिव्स हैं, जैसे हमारी लाइफ के एम्बिशन क्या है, हमारी लाइफ के गोल क्या हैं, हम ड्रग एडिक्ट हैं, अल्कोहल एडिक्ट हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, वो इंडिविजुअल है ना। तो फिर वही बात जो मैंने कही थी कि अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो ऐसे ही हो जाता है कि इन सम रिस्पेक्ट वी आर लाइक ऑल अदर मैन, फिजिकल एक्सटर्नल इननेट मोटिव्स उससे पूरे होते हैं। इन सम रेस्पेक्ट वी आर लाइक फ्यू अदर मैन, हमारे सोशल मोटिव्स, एंड इन सम रेस्पेक्ट वी आर लाइक नो अदर मैन, माने हमारे इंडिविजुअल मोटिव्स। इसमें तो कुछ समझने में कठिनाई नहीं हुई कि मोटिव्स जो है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक है फिजिकल मोटिव्स और दूसरा है इननेट मोटिव्स, जेनेटिक मोटिव्स, और दूसरा है एक्वायर्ड मोटिव्स, अर्जित मोटिव्स। अर्जित प्रेरक दो भाग में है। एक भाग है जिस पे समाज परिवार का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और उन्हें सामाजिक प्रेरक भी कहते हैं, कल्चर का प्रभाव पड़ता है। और कल्चर का प्रभाव ऐसा नहीं है, सामाजिक का प्रभाव ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल मोटिव्स में नहीं पड़ता, इंडिविजुअल मोटिव्स में भी पड़ता है, पर उसमें इंडिविजुअल की अपनी पसंद नापसंद, उसकी लाइक्स, उसकी इच्छा, वो मेन हो जाता है। कोई कठिनाई तो नहीं? दो तरह के मोटिव्स, इननेट एक्वायर्ड, अर्जित, दो तरह के, सामाजिक प्रेरक और व्यक्तिगत प्रेरक। कोई कठिनाई? अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था कि जन्मजात जो प्रेरक होते हैं वो प्रेरक जन्म से होते हैं, उन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता है, और अगर इन प्रेरकों की पूर्ति ना हो तो व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाता है। उसमें एक चीज है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस आपको मालूम है, हमारे होल बॉडी कितनी चीजों से मिलकर बना है, हमारा ब्लड कितनी चीजों से मिलकर, ब्लड केमिस्ट्री ये सब। तो अब अगर हमारी बॉडी में किसी चीज की एक्सेस या कमी होती है तो बॉडी को उसको पूरा करना होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेसिस। अगर हम बॉडी उसको पूरा नहीं करता है तो वो उसका बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता और बीमार पड़ जाता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि एकदम से आपका नमक खाने का मन है, मीठा खाने का मन है, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, वाटर कंटेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या नहीं हमारे तो उसका अगर प्रपोर्शन अनुपात थोड़ा सा अलग हो जाता है, या हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जिनसे सीक्रीशंस होते हैं, एंडोक्राइन सीक्रीशंस होते हैं, अगर उसमें इंबैलेंस हो जाता है तो भी परेशानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात हम इसकी कर रहे थे कि फिजियोलॉजिकल जो ये हो जाता है, इसको उस इम्बेलेंस को दूर करके हम शरीर को वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में लाते हैं। अगर आप फील करते हो अचानक आपको बहुत नमक खाने का मन हो रहा है या बहुत मीठा खाने का मन हो रहा है, हो सकता है योर बॉडी नीड्स, है ना। तो इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। दूसरा है थर्स्ट। आप जानते हैं आदमी भूखा बहुत समय रह सकता है पर प्यासा बहुत समय नहीं रह सकता, क्योंकि पानी, हमारे तो बॉडी ज्यादातर पानी ही है, ब्लड में कितना कंटेंट पानी का है, कितना परसेंट पानी का है। तो जब हम पानी प्यासे होते हैं तो क्या होता है, हमारा गला सूखता है, हमारे होंठ सूखते हैं, और अंदर ब्लड में भी वाटर कंटेंट कम हो जाता है, जिससे कि हमें असुविधा होती है। अगर कोई सोचे कि भाई गले ही सूख रहा है तो लीजिए पानी, जरा सा अपने लिप्स वेट कर लिए, ठीक हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन थर्स्ट अगर है, थर्स्टी है आदमी, तो लिप्स वेट करके उसका नहीं काम चलता, उसको पानी चाहिए, सो दैट उसकी बॉडी में सही प्रोपोर्शन में ये हो सके और वो
हेल्दी रहे। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है तो नहीं है ना ये? उसके बाद है हंगर। हंगर में भी ऐसे ही होता है कि बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री जो है बदल जाती है। हंगर मोटिव का अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो हम लोग काफी दिन जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है तो डेथ तक हो जाती है। अब प्रोटीन है, शुगर है, सोडियम है, ये सब चीजें बॉडी को चाहिए होती हैं और बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बहुत समय तक बिना भोजन के प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। कोई इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया? फिर है देखिए टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारा बॉडी एक निश्चित टेम्परेचर पे ही जीवित रहता है। अगर उससे बहुत कम बहुत ज्यादा होगा तो बॉडी के लिए प्राण रक्षा मुश्किल हो जाए। बात सही। तो टेम्परेचर, अब हम लोग क्या करते हैं, आज आप लोग सब पंखे खोले बैठे होंगे, कूलर खोले बैठे होंगे, एसी खोले बैठे होंगे। अभी सर्दी होती तो हम लोग दरवाजे बंद करके आग जला के बैठे होते, हीटर खोल के बैठे होते। व्हाई डू वी डू इट? जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और इसका मेन जो जगह है जहाँ पे ये टेम्परेचर होता है रेगुलेट, वो है हाइपोथैलेमस। अब उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद सेक्स है लेस। हाँ जी मैम, हंगर के बाद मैम आपने कौन सा मैम बोला? हंगर के बाद आपने कौन सा बोला मैम? हंगर मुझे याद नहीं है, एक तो होमियोस्टेसिस बोला था, उसकी स्पेलिंग भूल गया। होमियोस्टेसिस हो गया, थर्स्टी हो गया, हंगर हो गया, और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ओके ओके थैंक यू। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट, और कोई बोला है क्या? मैंने होमियोस्टेसिस बोला था, होमियोस्टेसिस तो हो गया ना मैम? हो गया मैम, हो गया। आप कहे तो मैं होमियोस्टेसिस की, नो मैम। अब इसके बाद आ जाएंगे स्लीप पे। स्लीप तो नहीं हुआ ना अभी? नो मैम, अभी नहीं हुआ मैम। तो स्लीप, आप जानते हैं स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थी लाइफ के लिए। यद्यपि अगर कोई नहीं सोता तो जरूरी नहीं कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं सोता तो वो फिजिकली फिट भी नहीं रहता, वो मेंटली फिट भी नहीं रहता, और मेंटल फिजिकल दोनों फिटनेस के अभाव में उसके प्राणों का संकट तो बना ही रहता है। अब स्लीप कैसे लें, कितने घंटे की जरूरी है, ये सब आप लोग जानते हैं। इसमें कुछ नई चीज नहीं है जो मैं बताऊं, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद सेक्स, देखिए सेक्स सेकेंडरी मोटिव है, सेकेंडरी तो मोटिव नहीं, लेस इम्पोर्टेंट नीड है, और ये भी जन्मजात होती है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है संतानोत्पत्ति और प्रोक्रिएशन जिसे बोलते हैं, वो होता है, जिससे कि आगे जीवन चलता है। और फ्रॉयड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने तो कहा है कि लाइफ में ये इतना इम्पोर्टेंट मोटिव है कि अगर ये मोटिव डिससेटिस्फाइड है तो बहुत से मानसिक रोग, व्यवहार की असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अगर इनका सही ढंग से चैनलाइजेशन नहीं किया जाता, माने पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं कि हर सेक्सुअल इम्पल्स शुड बी ग्रेटिफाइड, कि हर सेक्सुअल उत्तेजना की शांति ही मिले, लेकिन उसको उसके दो तरीके हैं। इधर यू चैनलाइज इट, उन उत्तेजनाओं को, उन भावनाओं को आप एक दिशा दे दें, या फिर आप उनको सेटिस्फाई करें। दो रास्ते हैं, अगर ये दोनों में से आप व्यक्ति कोई नहीं अडॉप्ट करता तो उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, बहुत से रोगों को, व्यक्ति के व्यवहार को भी दूषित कर देता है। आपको मालूम है कि सेक्सुअल बिहेवियर सेक्स ग्लैंड्स गोनेड से गवर्न, ठीक। अब आ जाइए इंडिविजुअल
मोटिव्स, व्यक्तिगत प्रेरक जो नितांत आपके हैं, हर कोई के सारे प्रेरक ने व्यक्तिगत प्रेरक एकदम आप जैसे नहीं, कुछ ना कुछ अंतर जरूर हो। अब जैसे व्यक्तिगत प्रेरक है तो उसमें आपका लाइफ का गोल क्या, जीवन का लक्ष्य क्या, तो हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फिलोसोफर बनना चाहता है, कोई वाइल्ड लाइफ के लिए करना चाहता है, कोई IAS IPS इंजीनियर, जन कितने जॉब्स हैं, है ना? तो सबके अपने लाइफ गोल्स अलग अलग होते हैं। जिसके जैसे लाइफ गोल्स होंगे उसका व्यवहार उसी के अनुरूप होगा। अगर कोई IAS में आना चाहता है, IPS में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, माने फ्रॉम हाई स्कूल इंटर ही विल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज की बुक्स, ये जो समसामयिक वार्ताएं आती हैं इनको सुनेगा, इनकी चर्चा करेगा, इनको लिखेगा, जनरल नॉलेज पे इंफेसिस देगा, है ना? अब कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, गाना गाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, किसी गुरु की श्रेणी में शरण में जाएगा, उससे ट्रेनिंग लेगा, है बात सही कि नहीं? तो हमारे जीवन का जैसा लक्ष्य है, कोई फिलोसफी करना चाहता हो तो सब छोड़ के वो हिमालय पे जाएगा, धार्मिक उसमें जाना चाहता तो हिमालय पे जाएगा, पैसा कमाना चाहता तो उस तरफ जाएगा, जो उसका मतलब जीवन का लक्ष्य है उसके लिए वो प्रयास करेगा। तो हमारा टोटल बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग अवर गोल। और गोल्स ऐसा नहीं कि जो हम पहली बार बना लेते हैं वही होते हैं, पहली बार जो हम गोल्स बनाते हैं उन गोल्स में परिवर्तन भी हो जाता है। आपको भी मालूम होगा आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, आज आप क्या बन रहे हैं। तो जीवन के गोल्स ये निश्चित करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा हो। एक दूसरी चीज है जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का स्तर। अब आपने डिसाइड किया कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो अब आपको ये, और ये भी डिसाइड किया मैं आयुर्वेद का करूंगा, मैं यूनानी तिब्बा का करूंगा, मैं एलोपैथी का करूंगा, क्या करेंगे आपने डिसाइड कर लिया। बट आफ्टर दैट आल्सो देयर इज डिफरेंस अमंग डॉक्टर्स आल्सो बिकॉज ऑफ देयर लेवल ऑफ एस्पिरेशन। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो स्काई इज द लिमिट, इतना पैसा लेंगे शायद मैं करोड़ों में कमाऊं, मैं करोड़ों की गाड़ी लूं, मेरा बंगला इतना भारी हो, मेरे बच्चे ऐसी जगह पढ़े, मैं खूब कमाऊं। दूसरे का कहना है कि मैं लोगों की सेवा करूं और मेरे बच्चों का एक रीजनेबल लाइफ यापन हो सके, बस इतना मुझे करना है। तो आकांक्षा जिसका जैसा स्तर होगा वो उस प्रकार से कार्य करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपकी आकांक्षा है कि मैं करूँ हवाई जेट, अपना पर्सनल जेट हो मेरा पास, मेरा अपने पास जहाज हो, पानी या इस तरह की है, तो आपको नेचुरली ज्यादा कमाना पड़ेगा और आप पैसे के लिए भागेंगे। अगर आपकी आकांक्षा के स्तर वो नहीं है, माने एक डॉक्टर करोड़ों रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए तक कमा सकता है, अब उसकी आकांक्षा का स्तर क्या है, कितना वो चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। वो वही मीन्स अडॉप्ट करेगा जिन मीन्स से उसके आकांक्षा का स्तर होगा। जैसे आप ही के साथ जो बच्चे हैं, तो मैंने देखा है एक बार थर्ड डिविजनल लड़की ने इतनी बड़ी पार्टी दी थी कुछ करने की बात नहीं, और मेरे घर में मेरी पोजिशन में कुछ नंबर से मेरी फर्स्ट पोजिशन नहीं आई थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं इतना दुखी थी कि मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने बाहर जाके कह दिया कि पढ़ती तो बहुत ही फेल हो गई, कहें क्यों, कहें बहुत दुखी है। तो मतलब इफ यू गेट गुड मार्क देन टू यू आर नॉट सेटिस्फाइड, समटाइम्स आपका लेवल ही भाई पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो गए तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो जैसा आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है आप उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। जिसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है मुझे टॉप करना है, तो परिश्रम करेगा, ज्यादा पढ़ेगा, सहायक पुस्तकें पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, और जिसका है मैं पास हो जाऊं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और साथ साथ पास भी होने की कोशिश करेगा। तो हमारे एक्शंस, हमारे
व्यवहार जो है किस पे निर्भर करता है, हमारे मोटिवेशन पे। अगर हम मोटिवेटेड हैं, इस लेवल के लिए आकांक्षा का स्तर क्या है, डॉक्टर हमें बनना है। आपने देखा ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, कितनी बार आते हैं, देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा उसमें आते थे, कौन बनेगा करोड़पति में, एक डॉक्टर कपल आया था जो जंगल जाके लोगों की सेवा करना, कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण पहनना ओढ़ना, दो पट्टी की चप्पल पहनना और घूमना है। अब जहां कलाम साहब थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे है? और उनकी एक्सपेक्ट, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उन्होंने कब कुछ खर्चा, उनकी डेथ के बाद कितना उनका सामान मिला, तो उनकी एम्बिशन नहीं थी, उनका एस्पिरेशन नहीं था, बहुत सारे लोगों का होता है। अब डॉक्टर्स लोग जो इस मौके पे भी इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, शर्म की बात लगती है। एस्पिरेशन लेवल के और जो बात है उसमें मुझे एक बात कहनी है जो मुझे आप लोग की बुरी लगती है, आप लोग की नहीं, हम सभी की है, हमारी भी कमी है, आपकी भी कमी। एक अपने लोग का ग्रुप है ना, यूनिवर्सिटी हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, आप लोग उसके मेंबर हैं क्या? नो मैम। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के आप लोग मेंबर हैं? नो मैम। नहीं? नो मैम। यस और नो? नो मैम। नो। अच्छा, तो देर तो थर्ड ईयर वाले हैं, फोर्थ ईयर वाले हैं, कोई तो है। तो एक टीचर ने आपकी एक फोटोग्राफ डाली कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी फिजियोथेरेपी को इतनी मान्यता मिली, कोरोना बहुत बुरी तरह से चल रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी उस समय की, तो उसमें एक लेडी को दो फिजियोथेरेपिस्ट वो दे रहे थे, थेरेपी कर रहे थे उनकी, और कहा जा रहा था कि फिजियोथेरेपी से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और इंटरनेशनली इस बात को मान लिया गया है। तो आपके यहाँ की एक शायद मेरे ख्याल से टीचर होंगी, मैं परिचित नहीं हूँ, उन्होंने ये डाली फोटो और उसके नीचे लिखा था, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे तो कभी इतना संबंध नहीं था फिजियोथेरेपी से, पर हिंदुस्तान से तो है कि हिंदुस्तान में कोई रिसर्च हुई या कोई सर्वे हुआ जिससे जिसके रिजल्ट को अंतरराष्ट्रीय जगत में मान्यता मिली, तो मैं खुश थी। तो मैं उसको देख ही रही थी, अचानक देखा कि इनफ्लो स्टूडेंट्स, अरे मैडम आप क्या कर रही हैं, आप तो हमारी ड्यूटी जीएसवीएम में लगवा के ही छोड़ेंगी, कुछ इस तरह का लिखा। मतलब बच्चों को ये खुशी नहीं हुई कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी का कितना मान बढ़ रहा है, हमारा सम्मान बढ़ रहा है, हमारे देश का मान बढ़ रहा है, और हमारे देश के जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, अगर हम उनका कुछ सेवा करके उनको ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, मतलब सिलेंडर का सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, तो हम करना चाहेंगे, वी आर हैप्पी टू नो। ऑल दे रोड, ओ मैम ये क्या, आप तो हमारी ड्यूटी जीएसवीएम में लगवा के छोड़ेंगे। दो तीन के और कमेंट थे, मैम बहुत सीधी सादी थी, हम जैसी नहीं थी, उन्होंने लिख दिया ठीक है आगे से मैं ऐसे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। आई फेल्ट बैड। आप अगर फिजियोथेरेपी में आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए ये तो हो नहीं सकता, आप कमाई नहीं, यू नीड अ डिसेंट लिविंग, आप समाज पे भार बन जाए, आपका खाना पीना, आपका परिवार कोई और चलाए, तो ये अच्छी बात है, आपको पहले एक डिसेंट लिविंग चाहिए, व्यवसाय चाहिए, पर उसके साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचना है। वो पेशेंट्स अभी मतलब एक डेढ़ महीना हुआ है ना जब ऑक्सीजन की बहुत क्राइसिस थी, तब ये उन्होंने डाला था और बच्चों ने ये जवाब दिया था। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कहां कमी है, कमी टीचर्स की भी, हम सिखाते ही नहीं आपको। एक बार मुझे याद है, इसी संबंध में मेरे मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, तो जब जल्दी पहुंच जाती हूँ, अगर मिस्टर कटियार नहीं है तो मैं सामने विजिटिंग रूम में बैठ जाती हूँ, इससे दो चार मिनट पाँच दस मिनट मैं वेट कर लूँ और फिर मैं अपने क्लास में जाऊँ। तो मैं वेट कर रही थी,
आपके एक्स स्टूडेंट्स आए जो आप जॉब आप कहीं करते हैं, तो ऑल दे वर टॉकिंग, देयर वर टू थ्री गर्ल्स टू थ्री बॉयज, दे वर टॉकिंग कि कितना रुपया मिल रहा है पर सिटिंग, तुम किस क्लाइंट से कितना रुपया कमाते हो, 250, 300, 400। पर उनमें से एक ने नहीं कहा कि हम इतना कमाते हैं और साथ ही साथ आई फील कि मैं कुछ और उनके लिए सीखूं, मेरे पेशेंट को ये परेशानी है या वो परेशानी है, कोई मतलब अपनी स्किल को बढ़ाने की कोई बात नहीं, अपने रोगी को आराम देने से रिलेटेड कोई बात नहीं। ऑल दे डिस्कस्ड, उन्हें क्या मालूम मैं कौन हूँ, और मैं तो साइकोलॉजी वाली हूँ, मैं तो एक एक बिहेवियर नोट कर रही हूँ कि इतने ये बच्चे यहाँ से निकल के गए, इनका प्राइमरी एम क्या है, दे हैव टू अर्न, दे हैव टू सर्व नहीं है, दे हैव टू अर्न, एंड ऑल एम्फेसिस वाज ऑन अर्निंग। तो इसमें आप ही की गलती नहीं है, इसमें गलती हम लोग की भी है। आप देखो ना, दो हाई स्कूल इंटर करके लड़के जाते हैं एनडीए एमडीए में, और दो तीन साल की ट्रेनिंग के बाद कितने डिटरमिंड, कितने डिवोटेड, कितने कमिटेड, कन्विक्शन वाले, दूसरों के लिए न्योछावर करने वाले। जब बाढ़ आई थी, औरतें नाव उतर नहीं पा रही, तो जवान ऐसे घुटनों के बैठ गए, जैसे घोड़ा बंधे ना बच्चों के लिए, ऐसे बैठ गए कीचड़ में, और उनकी पीठ पर से लेडीज पैर रख के सूखे में। तो ये कमिटमेंट फॉर योर फेलो बींग्स, ये तो सीखने का भी है। और अगर हम खाली पैसा कमाएंगे तो एक समय आएगा कि आप ऊब जाएंगे उस पैसे से। आपको रिश्ते भी बनाने हैं, आपको अपना आध्यात्मिक जगत भी देखना, आई बात समझ में। खाली आकांक्षा के स्तर, मैं पैसा कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं, मैं इतनी तनख्वाह हो जाए मेरी, इतना मैं पर विजिट किसी के यहाँ से ले लूं, है ना। किसी एक ने नहीं कहा, मेरा एक कस्टमर है जो बहुत गरीब है, मैं उससे 100 रुपया ले लेता हूँ, मैं 300 नहीं लेता। ऑल दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ मच दे एक्सट्रैक्ट मनी, तो दिस आई डू नॉट लाइक। ये मेरी अपनी पसंद है और मैं आपके ऊपर थोकती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अगर किसी प्रोफेशन में आए हैं, खूब आदर्शों के साथ जाए। कमाना आपकी विवशता है, आप नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, पर कमाना ही आपका मुख्य ध्येय है, ये आपकी गलत सोच है। तो अपने लोग बात कहाँ कर रहे थे, जीवन लक्ष्य और आकांक्षा का स्तर, कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें? नो मैम। अच्छा, इसके बाद देखिए, हमारी हैबिट भी एक मोटिव है। जिन चीजों की हमें आदत होती है, वो चीजें हमें विवश करती हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो आदत अपने में एक विषय विवशता है, चाय की आदत, शराब की आदत, मॉर्निंग में वॉक करने की आदत, जिम जाने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, पिक्चर देखने की आदत, आउटिंग करने की आदत, ये सब जो आते हैं, है ना, तो इनमें बड़ी विवशता होती है व्यक्ति के लिए कि हम लोग मोटिव में क्या पढ़ते हैं, व्यवहार के पीछे का कारण क्या, यही तो पढ़ते हैं, व्यवहार के पीछे का कारण क्या है। तो कई बार हैबिट जो है वो भी कारण होता है व्यवहार का। रात भर नहीं सोएंगे, सुबह 4 बजे ही उठना है, घूमने जाने ही है, चाहे लॉकडाउन है, निकलते ही पुलिस वाले डंडे लगा रहे, लेकिन जाना। तो आदत की विवशता, तो ये भी एक मोटिव है हमारा। दूसरा है जो हमें लतें होती हैं, बुरी शराब पीने की लत, तो ये भी हमारे बिहेवियर को गाइड करती है, हमारे बिहेवियर को मूव करती है कि हम उस एरिया में करें। अब शराब नहीं मिल रही है तो शराबी आदमी दूसरे प्रदेश में जाएगा, वहां से लेके आएगा, कैसे अरेंज करेगा, और अगर नहीं मिल रही तो ही विल नॉट फील कंफर्टेबल। तो ये भी एक व्यक्तिगत मोटिव है, हर एक का तो नहीं होता। जो शराब नहीं पीते उन्हें कोई परेशानी नहीं, जो ड्रग्स नहीं लेते उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। अब जो ड्रग्स लेते हैं उनको समय पे ड्रग्स नहीं मिले तो उनके व्यवहार में परेशानी होती है। अब ड्रग्स लेते हैं तो उनके व्यवहार में चोरी करना,
अपराधों की ओर जाना, ये सब अपने आप आ जाता। तो ये इंडिविजुअल मोटिव्स है कि नहीं। इसके अलावा हमारे इंडिविजुअल मोटिव्स जो हैं, हमारे अचेतन मन की, अचेतन मन भी में भी बहुत सारी बातें होती हैं। कितनी सारी बातें होती हैं, तो बहुत बार हम लोग फोर्स होते हैं, हमको नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं काम, लेकिन अचेतन में ही मन की इच्छाएं हैं, उनकी तृप्ति के लिए भी हम बहुत बार व्यवहार करते हैं। एक बहुत पहले मैंने नॉवेल ही पढ़ा था, उस नॉवेल में एक था कि एक बहुत बड़ा ब्रॉडवे स्टार था, टीवी स्टार, तो वो कहीं जाता था तो मोटी बड़ी आंख की नाटी लेडीज को देखकर एकदम उसको ऐसा लगता था कि बस इनको मार डाले, और इतना हिंसक हो जाता था उनके साथ कि दो चार बार ऐसे हो चुका था उसके साथ। तो अब कोई समझ ही नहीं पाता था कि क्यों ऐसा करता है वो। अब ये तो अचेतन मन में था कारण उसके। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो जा रहा था तो एक कॉल गर्ल टाइप की लड़की उसी डिस्क्रिप्शन की उसे दिख गई, तो उसने उसे हायर किया और उसे कमरे पे ले गया और ले जाके उसे बहुत मारा। शी वॉज अबाउट टू डाई, तब वो अपनी फ्रेंड के पास गया, अपने एक फ्रेंड के पास गया और अपने फ्रेंड को बताया कि आज मुझसे फिर ऐसा हो गया। उसका फ्रेंड कई दिन से कह रहा था कि तुम एक साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, तुम साइकेट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाते। तो वो जाता नहीं था, वो कहता था साइकेट्रिस्ट हेड थिंकर होते हैं, वो तो किराया वसूलते हैं, ये वो ऐसे कहता था। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास गया तो साइकेट्रिस्ट ने उसे ऐसे डायरेक्ट अनकॉन्शियस में, जो बहुत पुरानी बातें होती हैं, बहुत बचपन की बातें होती हैं, वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे लाना बहुत आसान नहीं होता। तो वो साइकेट्रिस्ट उसको हिप्नोटिक स्टेज ले गया। हिप्नोसिस जानते हैं, सम्मोहन। तो सम्मोहन ये स्टेज में ले गया और उससे कहा कि नाउ यू आर 7 years old, टुडे इज योर बर्थडे, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो छोटा वो बच्चा कह रहा है मैं 7 साल का हूँ, मेरे माँ बाप बहुत रईस है, मेरी बर्थडे पार्टी हो रही है, मेरी बहुत सारे गेस्ट हैं, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, आई एम वेयरिंग अ वेरी गुड सूट। देन ही से अगेन सेड नाउ यू आर 6 years old, व्हाट डू यू सी, टुडे इज योर बर्थडे। फिर उसने इसी तरह का बताया, इसी तरह का बताया। पर जब उसने कहा नाउ यू आर 4 years old, तो उसने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, एक छोटे से कमरे में हूँ और मेरी माँ जो नाटी छोटी और बड़ी आंख वाली है, उसका उसके क्लाइंट्स ने, शी वॉज वर्किंग एज अ कॉल गर्ल, तो उसके जो लोग आए थे, मतलब उस कमरे में ही उस बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता था, या दो कमरे थे तो आगे वाले कमरे में उसकी मदर को मार वो लोग डाल गए। तो और उसकी मदर एक कॉल गर्ल थी और छोटे बच्चे को पालने के लिए बड़े परिश्रम से किसी तरह प्रयास कर रही थी। तो बच्चे ने जब अपनी मदर की डेड बॉडी देखी तो उसने वो बताया उसको, और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिच फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और बच्चा वहाँ चल गया। 4-5 साल के बाद उसे याद भी नहीं किसी ने कराया कि तुम किस गरीबी से आए थे, क्या था। जब उस लेडी का डिस्क्रिप्शन पूछा गया कि वो लेडी जो मरी पड़ी है उसका डिस्क्रिप्शन, तो उसका डिस्क्रिप्शन वही था जो उसकी मदर। तो हमारी जो हमारी इच्छाएं हैं, अतृप्त भावनाएं हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती, बराबर बनी रहती, बराबर बनी रहती हैं, और वो हमारे व्यवहार को दूषित करती है। एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि एक अभी कोरोना टाइम में ही एक साहब पीछे, एक लेडी पीछे पड़ी थी कि मेरे रिश्तेदार को आप देख लीजिए, उनको कुछ परेशानी, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आउट ऑफ प्रोपोर्शन गुस्सा हो जाते हैं। तो मौका ही नहीं था, कोरोना में किसको बुलाऊं, मैं उन दिनों बहुत बिजी थी तो मैंने बुलाया नहीं। फिर जब एकदम खाली हो गई, थोड़ा कोरोना भी रिड्यूस हो रहा था, देन आई सेड ओके अब आप अपने रिश्तेदार को ले आइए, क्योंकि वो लेडी हमसे परिचित थी और वो मुझसे झूठ बोल रही थी कि वो कोई रिश्तेदार है, एक्चुअली वो उनका अपना बेटा था, लेकिन माँ भी मेरे पास लाई तब भी झूठ बोल के लाई, वो लड़के ही ने खोला। अच्छा, जब वो लड़का आया, ही वाज अ हैंडसम मैन, ही वाज अ सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंगलोर में पोस्टेड था, आजकल ऑन वर्क फ्रॉम होम से वो कानपुर आया हुआ था। तो वो कहने लगा कि वो आके बैठा, तो मैंने उनको तो भेज ही देना था, उनको तो उस कमरे में रखना नहीं था जिस कमरे में हम लोग को बात करनी थी। तो मैंने अकेले मुझसे बात शुरू की, तो जैसे ही मैंने बात शुरू की, कह मैम मुझे लगता मैं दुनिया में कोई आई एम सेकंड टू नन इन इंटेलिजेंस, बुद्धि में मैं किसी से द्वितीय नहीं हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, मेरी इतनी बुद्धि। अरे मेरे तो बॉस ने कहा, कोई सजेशन दिया, मैंने बॉस को कह दिया डोंट सजेस्ट मी, नहीं सजेस्ट मी ओनली व्हेन आई सीक योर सजेशन, ये उसका ही बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा। तो है कहने लगे अरे मेरी माँ माँ मेरे को ले जाती थी मामा वामा के यहाँ, और उनके यहाँ ऐसा ऐसा वैसा, मतलब उसको अब मामा का स्टैंडर्ड भी बहुत लो लग रहा था। फिर हमने कहा और क्या परेशानी है, क्या बात है, क्या बात है? तो बोला कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता मुझे एकदम से गुस्सा आता है, कल मैंने अपने दोस्त को बहुत बेइज्जत कर दिया जिसके साथ मैं पढ़ा था, और मैंने उसको कह दिया कि अपने से 10 साल बड़ी लड़की से शादी करके तुम करोड़ों का दहेज लेके तुम अपने को बड़ा आदमी करते हो, तुमने अचीव क्या किया लाइफ में, तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया, अपने दोस्त से कह दिया, मेरा दोस्त रोने लगा। तो जब उसने मुझे ये बताया तो मैं इमीडिएटली समझ गई कि अगर किसी व्यक्ति में इतना सुपीरियरिटी है और हर जगह वो अपने को सुपीरियर दिखा रहा है, तो इसका रूट कॉज होता है कि अंदर कहीं डीप रूटेड इंफीरियोरिटी है, उसके अंदर बहुत हीन ग्रंथियां हैं। समझ आ रही बात? आप लोग के रिएक्शन नहीं मिलते, मैं बोल नहीं पाती। यस मैम, यस मैम, आ रही है। हाँ, तो मुझे समझ में, हाँ मुझे समझ में आ गया कि इसमें डीप रूटेड इंफीरियोरिटी है। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप मैं अपने चाइल्डहुड की कोई बात बताइए। क्या बात बताऊं, चाइल्डहुड वाज नॉट वेरी हैप्पी, और ये जो मेरी मम्मी आई है ये तो बैंक में तब क्लर्क ही थी, बाद में मैनेजर बनी, मेरे फादर की कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, और हम तीनों भाई बहन बहुत मुसीबत से पले थे। और उसने बताया कि वो पहली बीएनएसडी शिक्षा निकेतन का स्टूडेंट था, उससे पहले दीनदयाल उपाध्याय का स्टूडेंट था, आईआईटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग में आ गया। तो ही वाज नो डाउट इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन अब परेशानी आती। अब उसकी परेशानी ये थी, उसकी वाइफ, उसकी मदर, सब लोग परेशान थे कि वर्क प्लेस पे वो लड़ता है, वाइफ से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, कोई उसका दोस्त नहीं है, दोस्त आ जाए तो उससे लड़ता है, कोई रिश्तेदार आ जाए तो उससे लड़ाई चालू होती है। अ हैंडसम यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुज वाइफ वाज आल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब मैंने कहा ना कि बचपन, ये कुछ जलंबा हुआ जा रहा है, ये भी मेन बात छूट जा रही है, पर साइकोलॉजी को समझने के लिए एक इंसाइट डेवलप करनी होती है, तो इस तरह के उदाहरण बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो मैंने उससे कहा, अरे मैंने तो इसको पूरा देखा है ना, मैंने उससे कहा कि तुम अपने बचपन की कोई बात बताओ। तो उसने कहा क्या बताऊं बचपन की? तो मैंने कहा अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ पैसा चाहा हो, मम्मी ना दे पाई हो? मैंने चाहा ही नहीं, मुझे अपने घर का मालूम था, मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर जाता था, तो उसका बाथरूम मेरे टोटल घर से सुंदर था, और मैंने मम्मी से कुछ कहा ही नहीं, मैंने कभी कुछ कहा नहीं। फिर भी कभी कुछ चाहा हो, मम्मी ने ना दे पाया हो? हाँ, एक बार कोई तिरंगा पिक्चर आई थी 92 में, मुझे नहीं मालूम उसका 5 रुपए का टिकट कैसे हो सकता। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे तिरंगा देखने का मन है। तो मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे एक 5 का नोट दिया। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई तिरंगा पिक्चर देखने चलना है, चलोगे? उसके फादर ने 25-30 रुपए दे दिए। 92 में भी 3 रुपए का 5 रुपए का कौन सा टिकट मिलता था, मुझे नहीं आता। तो खैर उसके फादर ने 25-30 रुपए दे दिए, मेरा दोस्त बालकनी में बैठ गया, मैं नीचे बैठा था, मैं बराबर सोच रहा था वो ऊपर क्या कर रहा होगा, वो अच्छी हवा खा रहा होगा। अब इंटरवल में पापड़ खाने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं सोच रहा था वो ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा, ये है वो। तो ऐसे करके उसने 2-3 इंसिडेंट्स बताए, एंड आई कुड फील कि ऑल हिज प्रॉब्लम
इसलिए है कि अगर हमारे हर एक जीवन में टेंशन है, ऐसा नहीं गरीबी किसी के यहाँ नहीं, हम जो चाहते थे 100% हमें वो मिल गया, कभी नहीं। हमें अपनी जरूरतों को कर्टेल करना पड़ता था, हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार समझौते करने पड़ते थे, पर उसने बचपन में कभी माँ से कुछ मांगा नहीं। और जिस दोस्त ने ऊपर बैठ के तिरंगा देखा था, उसी दोस्त ने घर जाकर उसकी बेइज्जती करके आया, और अब उसे मतलब बड़ी अच्छी कंपनी में है वो, मैं नाम नहीं बोलना चाहती कहीं आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, तो बड़ी अच्छी कंपनी में है। और उस कंपनी में होने के बावजूद उसे ये लगता है कि मम्मी बचपन में कहती थी मामा घर बहुत अच्छा है, तो मामा के घर गए, मामा के लड़कों से बोले तुम लोग तो जूनियर इंजीनियर्स की तरह रहते, तुम्हारी कोई लिविंग है? अब वो जो उसने लाइफ में दुख उठाया था, अगर उसने उस दुख को किसी से प्रकट किया होता, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग सॉल उसका दोस्त होता, तो उसके दुख को बटा सकता। इसने कहा नहीं, उन्होंने सुना नहीं, और ग्रंथी बना के मन के अंदर रख ली। अब वो ग्रंथी उन्हें इतना परेशान करते, जब मौका होता तो वैसे ही करते। तो अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ बैठ के वो इतना रोया, कहाँ तो इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सफर कर रहा, अपनी बात बताते 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 कहने की मेरी वाइफ भी अच्छी है, वो भी मुझसे दुखी रहती है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं शाम को ड्रिंक करने बैठ जाता हूँ, पूरा कमरा अंधेरा कर देता हूँ, ये वो इतनी बातें उसने बताई, और इतना रोया। व्हेन ही वेंट बैक, तो उसकी मदर मुझसे कह रही थी, वो एक तरह से एक हम एक सभा तो क्लब तो नहीं कह सकते, एक ग्रुप है जिसमें हम बहुत सक्रिय हैं, उसमें वो भी मेंबर। तो मुझसे कहने लगी कि जब वो यहाँ से गया तो बोला मुझे इतना लाइट लग रहा है, जैसे मेरे चेस्ट का बोझ उतर गया, इन मैडम ने समझ लिया मेरी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने देखो इसको बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट है कि मैं बहुत हाई इंटेलिजेंस का हूँ, तो इसको फोर्स नहीं करना मेरे पास आने को, जिस दिन ये कहे मुझे आंटी के पास जाना उस दिन लेके आना। तो चलो अब बहुत कहानी नहीं बताएंगे, इसकी बहुत लंबी हो गई। तो देयर आर सर्टेन अनकॉन्शियस मोटिव्स, मेरी बात समझ रहे हैं, जो हमारे अंदर मन में होते। कभी हमें हमारे अंदर गिल्ट हो सकता है कि हमने ये अपराध किया। अब अपराध की बात बताएं तो फिर मैं बताऊं तो फिर आप लोग यही कहानी बताती रहूंगी। मैं कुछ काल मैंने फ्री काउंसलिंग की थी ओपीडी में बैठ के TSVM की, तो वहाँ एक लेडी आई, तो उसने आते ही मुझसे कहा, मेरे पास एक कमरा था मैं उसमें बैठती थी, तो एकदम आई और कहने लगी आज आप यहाँ बैठी थी, कहीं उस दिन मैं आई थी तो आप बैठी थी, मैंने मैं मेरे दिन निश्चित है, तो कहने लगी अगर आज आप ना दिखती तो मैं सुसाइड कर लेती। मैं तो अलार्म है, उससे बहुत बार होती रही इसी, मतलब उसकी बातों का कोई सेंस ही नहीं होता था। मेरे हस्बैंड की, मेरे कजिन है, उसके भाई की डेथ हो गई, वो मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही है, मुझे लगता मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो जाएगी। मेरी मदर का छोटा भाई था, हाँ छोटा भाई था, मदर बड़ी थी, छोटे भाई की डेथ हो गई, मेरे एक बेटा बेटी है, बेटा छोटा, मुझे लगता मेरे बेटे की डेथ हो जाएगी। बहुत मैं उसकी काउंसलिंग करूँ, मैं उसके किनारे तक नहीं पहुंच पाती थी, और वो हर रोज धमकी दे जाती थी अगर उसे आज रात नींद नहीं आई वो सुसाइड कर लेगी। आई वॉज सो पर्टर्ब, क्योंकि इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, जो सुसाइड एक बार कह दे तो कर भी सकता है। तो मैंने उसे हस्बैंड को बुला के सारी बात बताई कि भाई देखिए ये स्थिति है, आप रात में सोते तो भी सावधान सोइए, और आइए तो किसी और को दिखाइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी टीचर थे तब भी नहीं कोई बात नहीं। पर एक दो दिन उस लेडी ने जो मुझसे शेयर किया, और उसके बाद उसकी सारा रोग गायब हो गया। उसने बताया कि जब उसकी वो कॉमर्स ग्रेजुएट थी MP से, तो कॉमर्स ग्रेजुएट थी, तो वो जब उसकी शादी हुई तो शी वांटेड अ कैरियर, शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन यहाँ जब आई तो उसका फैमिली ऐसी थी कि वो सबको घरेलू काम करना पड़ा, उसके ससुर काम करते थे, उसके हस्बैंड करते थे, घर में बहुत मेहमान मेहमान आते थे, और सास हमेशा, वो पहली बार ससुराल मैं के भी नहीं जा पाई थी, इसी बिकेम प्रेग्नेंट, अब ये लड़की हुई, तो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग प्रेगनेंसी में, तो इतने डिप्रेशन में चली गई कि इसने बताया कि मैंने
अपनी 13 दिन की लड़की को मारने की कोशिश की। तो मैंने उसके मुंह पे तकिया रखा था और दबाया था, फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब जैसे ही उसने ये बात हमें बताई, उसके मन के अंदर जो एक अपराध बोध था वो अपने आप हल्का हुआ। इफ यू सी अ थिंग, इसीलिए साइकोलॉजी में कहते हैं कि बुलवाओ, जितना बोलेगा तो उसके अंदर के तनाव बाहर जाएंगे। तो उस लेडी ने फिर कहने लगी, मैडम मैं बहुत अच्छी हो गई, मैं तो एकदम ठीक हो गई। कभी कभी रिकरेंस होता था, एक बार मेरे घर भी आई, मैंने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया था कोरोना में, तो एक बार घर भी आई थी मिलने। तो अब देखिए क्या अपराध बोध, कहाँ का अपराध बोध है, है? और कहाँ व्यवहार में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ पता है? कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर कोई अपराध बोध है किसी लिए, यू स्टार्ट केयरिंग मोर, उसका इतना ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। एक आदमी था, तो व्हेन ही गॉट मैरिड, तो उसको ये फीलिंग थी कि मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल सॉर्ट नहीं हूँ जो मैं पत्नी और बच्चों का ध्यान रखूँ। अब व्हेन ही गॉट मैरिड, वो क्या करता था, घर से जा रहा है, सारे बिजली के स्विच निकाल जाएगा, टीवी नहीं छूना, वॉशिंग मशीन मत लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दरवाजा नहीं खोलना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ता था, फिर अपने ऑफिस जाके फिर बच्चों के स्कूल फोन करता था, बच्चे ठीक है, झूले पे तो नहीं गए, आउटिंग पे तो नहीं गए, मतलब उसकी नॉर्मल लाइफ ही गड़बड़। अब उसके अंदर जब काउंसलिंग हुई तो पता चला कि उसके अंदर डीप रूटेड सेंस था कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ होल्डिंग और परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मैं उस टाइप का नहीं हूं जो मैं अपनी वाइफ का केयर करूं, बच्चों का केयर करूं। व्हाट ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड पेइंग सो मच अटेंशन कि वो एबनॉर्मल हो गए। इट इज कॉल्ड कंपनसेशन, कि उसने क्या किया, कंपनसेट किया। चलिए अब कहानियां बहुत हो गई, तो समझ में आया, समझ में आया कि हमारी जो अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं, अनकॉन्शियसली आप कोई चीज चाहते हैं, यू वांट एन अटेंशन ऑफ अ पर्सन, तो आपको नहीं पता कि आप क्यों ये एक्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पर आपकी अचेतन इच्छा है तो उस व्यक्ति का प्यार पाएं, उस व्यक्ति का आपकी अटेंशन सीख करें। तो आपको कॉन्शियस लेवल पे नहीं पता है, पर अनकॉन्शियसली वो मोटिव कार्य कर रहा है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. और बताइए क्या बताऊं? हो गया एक घंटा आपका कि नहीं? मैम बहुत अच्छा, एक घंटा हुआ, बहुत अच्छा। अब नहीं हुआ मैम? क्या क्या बहुत अच्छे लगते हैं मैम? जिस तरह से आपने बताया सारी चीजें, मैम जिस तरह से भी आपने सब चीजें बताई हैं, मैम उसको एक बिल्कुल लाइन में एनालाइज करके देख रहे हैं, मैम लोग जो दिखाते हैं वो मैम ऐसे होते नहीं है, उनके अंदर मैम और डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनालिटीज होती हैं उसके उसके बारे में हम सोच रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा लगा सोच रहे कि लोग कितने तरह के भी हो सकते हैं, जो दिखते हैं वो कभी नहीं होते, ये वाली बात। हाँ कई बार ऐसे ही होता है, कई बार ऐसा ही होता है, हमारे बहुत सा व्यवहार ऐसा है जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव से गवर्न होता है और हम खुद भी नहीं जानते। लेकिन एक चीज हम जानते हैं जो मैं आप लोगों से भी कहूंगी, अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, फिजियोथेरेपिस्ट, तो पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान मतलब दूसरे को समझने वाला इंसान। किसी ने हमें एक शब्द बोला, हम नाराज हो जाते हैं, अरे उसने हमको ऐसा बोला, उसने यूं बोल दिया, पर उसने किन परिस्थितियों में बोला, क्या उसके प्रेशर्स थे, ये हम नहीं रियलाइज करते। एक बार कोई दोस्त रूठ जाए तो हम कभी उसे मनाने जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। रीच टू दोस्त पीपल, आप पहुंचिए उनके पास, आप देखिए कि जो दिखा रहे हैं कि वो शहंशाह हैं, कितने दुखी, कितने परेशान, तो यू हैव टू रीच टू देम और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ना एक्सेप्ट। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरी अच्छाई बुराई को, तो आप मुझे कैसे स्वीकारोगे? अगर आप मेरी अच्छाई को स्वीकार करते हैं, तो मेरी बुराई भी, मेरी सीमाओं को भी आपको उतना ही दुलार देना। बात समझे ना? प्यार कैसा चाहिए होता है? किसी को ऐसा प्यार नहीं चाहिए होता है जो भौतिक हो या कुछ उसको देने वाला है। या आपके गुण हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो वो उन गुणों को प्यार करे, उन गुणों को कोई चाहे, ये प्यार नहीं। प्यार है when somebody really आपकी कमियों को, आपकी दुर्बलताओं को जब दुलार दे दे, एक इसमें स्पष्ट व्यक्ति की कमियों को मिले, ये हर साइकी के अंदर यही डिमांड है, यही डिजायर है, यही नीड। आई बात समझ में? कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो कहे मुझे तो प्यार बहुत मिल गया, मुझे नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की साइकी में और प्यार पाना है कि नहीं? और प्यार का अर्थ ये नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनैलिटी से प्यार, इवन उसकी दुर्बलताओं को भी दुलारना है, उसको भी स्वीकार करना है, तब ये प्यार होता है। प्यार अनकंडीशनल होता है। चलिए अब आज का खत्म करें, कुछ और पूछना है? ऐसे तो मैं 1000 किस्से सुनाती रहूं। मैम सोशल मोड के भी कंप्लीट कर दीजिए। टाइम पता नहीं इकट्ठा इतना करना है कि नहीं करना है, मुझे कुछ पता इस बारे में नहीं है। तो सोशल मोटिव्स बाद में से, सोशल मोटिव्स वो मोटिव्स हैं जिसमें सोशल नॉर्म्स का, सामाजिक नियमों का, सोसाइटी का, कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। चलो सबसे पहले एक मोटिव है प्रेज एंड ब्लेम। आप लोग यहाँ क्यों बैठे, क्यों आए? आना तो आसान नहीं था, नहीं? आप सो सकते थे, आप खेल सकते थे, नहीं? आप मन मार के चले आए, इसको अटेंड कर रहे हैं। 1001 रीजंस है कि आप कहीं और इंजॉय कर सके। पैसा बचाना कितनी मुसीबत होती है, पर हम लोग मन मार के भी बचाते हैं। कल को कोई ये ना कहे कि आपने इतना भी नहीं बचाया कि आपने रेनी डे पे काम आए, है? तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिसको सोसाइटी प्रेज करती है, हम हर वो काम जो जिसकी सोसाइटी निंदा करती है नहीं करना चाहते। और ये बड़ा भारी बाइंडिंग फोर्स होता है हम पर कि हम सोशल नॉर्म्स के अनुसार। आप सोचिए आप क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ के क्या मिलेगा? अच्छे स्टूडेंट बन के कुछ मिल रहा है? अच्छी बेटी बन के कुछ मिल रहा है? अच्छे फ्रेंड बन के कुछ मिल रहा है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। द सेटिस्फेक्शन यू डिराइव फ्रॉम प्रेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके जो आपको सेटिस्फेक्शन होता है। हम कोई वो काम नहीं करना चाहते जिसको निंदा की दृष्टि से देखा, हम हर वो काम करना चाहते हैं जिसको प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता हो, तो वही हमारा मोटिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जिन चीजों की समाज प्रशंसा होती है, अब देखिए हमारे यहाँ सहजता की प्रशंसा होती है, हमारे यहाँ दोस्ती की प्रशंसा होती है, हमारे यहाँ प्रेम की प्रशंसा होती है, हमारे यहाँ त्याग की परीक्षा प्रशंसा, बलिदान की प्रशंसा होती है। तो हमारे यहाँ हमारे इनर चाहे कितने भी स्वार्थ हों, हम बनना क्या चाहते हैं? त्यागी, बलिदानी, प्रेमी, सहायक। हमारी लाइफ का गोल कभी ये नहीं होता कि हम मारेंगे पीटेंगे। क्यों नहीं होता? Because our society does not treat violence, hatred और दूसरे को नुकसान पहुंचा। तो हम लोग उन एक्शंस को नहीं करते हैं। It is called praise and blame, motive of praise and blame. So anything which is praised in the society, which is admired in the society, we incorporate it, that becomes our goal, that becomes our motive. और जिससे निंदा मिलती है, सबने आप लोग बताइए,
आपकी जरूरतें हैं, आपने सबने ट्राई किया होगा चोरी करने का, निंदा मिली छोड़ दी, जिन चीजों की प्रशंसा होती उनको आप रीइंफोर्स अपनी लाइफ में करते हैं, रीअकरेंस होती है उन चीजों की, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, आप समझ गए कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत माना जाता है आगे बढ़ो, मुझे तो याद है मेरे फादर मुझसे पूछते थे टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट के भी रोज जवाब देने पड़ते थे, आजकल बच्चे कहते तो क्या, लेकिन हम लोग नहीं कह पाते थे कितने मार्क्स आए टेस्ट में, तो हमने कहा 10 में 7। तो मेरे फादर की आदत थी पूछते थे हाईएस्ट थे, नहीं 7.5 हाईएस्ट, तो फिर क्या फायदा, अब बोलो कि कितने मार्क्स आए टेस्ट में, 10 में 6। पापा पापा ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, आधा नंबर कम होता तो सेकंड डिविजनर हो जाती, मतलब नो वे दे वर सेटिस्फाइड, ऑलवेज ट्राइंग कि कोई कंपटीशन में आ जाए, जबकि एक सुख की जिंदगी वो होती है जब आप सुख से पढ़ें बिना चिंता पढ़ें, लेकिन चिंता के साथ ये हमारी सोसाइटी है। हम तो एक दो बार ऐसे गए कि बच्चों के खेल के मैदान में गए, तो छोटे छोटे बच्चे ट्राइसिकल्स चला रहे थे, उन्हें 2-3 साल के बच्चे होंगे मेरे ख्याल से, और उनको बच्चों की नहीं ट्राइसिकल होती 3 पहिया गाड़ी, तो वो चला रहे, तो बच्चे इतने मस्त अपना चला रहे हैं, तो बजाय सीधे जाने के उन्होंने राइट हैंड मुड़ गए, अच्छा राइट हैंड मुड़ गए, और खूब आगे निकल के एक लड़का जो बच्चा जो था वो पैडल अपने ये जो होती है क्या बोलते हैं हैंडल पे अपना पैर रखा और आराम से पीछे देख रहा है कौन कहाँ से आ रहा है, उसके माँ पापा पागल आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, द चाइल्ड वाज एंजॉयिंग, इस रेस को वो एंजॉय कर रहा है, लोग कैसे चल रहे हैं क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, वो एकदम फिनिश लाइन पे पहुंचा भी आराम से पीछे देख रहा था, लेकिन माँ बाप परेशान, तो हम बच्चों का छोट कंपटीशन में डाल देते हैं, डालते कि नहीं डालते, हमने कभी बच्चों को ये सिखाया ही नहीं कि बच्चों तुम आराम से करो, सुविधा से करो, जिस चीज में मन लगे वो करो। अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि हम लोग जब म्यूजिकल चेयर करते हैं तो क्या होता है कि म्यूजिकल चेयर में एक एक चेयर हटा दी जाती है और एक एक बच्चा निकलता जाता है, तो लास्ट में जो बच्चा होता है वो भी ना होता, यही तो लोग खेलते हैं। जापान में इस खेल को इतनी अच्छी तरह से खिलाते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों को कहते हैं एक चेयर कम कर देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि देर आर 9 चेयर्स एंड 10 of you विल सिट इन दिस, एकोमोडेट करो, मतलब 10 बच्चे हैं और 9 चेयर्स हैं तो इस बच्चे को एकोमोडेट करो, फिर एक चेयर निकाल दी, अब हो गए 8 चेयर 9, मतलब ऐसे करके धीरे धीरे बच्चों को नहीं निकालते हैं चेयर्स निकालते हैं। और लास्ट में 2 रह गई 3 रह गई उसमें 9-10 बच्चे पूरे बैठो तब तुम जीतोगे, अगर एक भी बच्चा रह जाता तो तुम जीतोगे, कितना सुंदर मैसेज है। और अपना जो म्यूजिकल चेयर करते हैं उसमें कोई मैसेज अच्छा है, यही तो है धक्का मारो और को और तुम बैठ जाओ, यू बिकम फर्स्ट। तो लाइफ में हम क्या सिखा रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोसाइटी में एक है प्रभुत्व का प्रेरक, हम सिखाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम सबसे आगे बढ़ो, तुम सबसे बड़े हो, ये जो चीज है अब इसको मैं फिर करूंगी, आज मैं थक गई बहन बच्चों ठीक है, वैसे तो ये क्लास पढ़ाना मैं गप करने से ज्यादा नहीं होता, लेकिन टुडे आई एम रियली टायर्ड, ओके, और टाइम भी हो गया, ये दो लोग मीटिंग छोड़ के चले जा गए तो मुझे एक साइकोलॉजिकल वो हो जाता है, ओके थैंक यू, ठीक है, जरूरी काम से अटेंडेंस ले लो, ले लीजिए अटेंडेंस।